नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट थालोक्स में। मैं वी के शुक्ला आप सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्था की तरफ से सुपर टेट का बैच संचालित किया जा रहा है, जिसके संबंध में आपके सामने स्क्रीन पर ये नंबर लिखा हुआ है, जिस पर आपको एंट्री सुपर टेट लिख कर मैसेज करना है 9125 42 39 36 पर। ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर 9125423936 पर व्हाट्सएप करना है। और इस प्रक्रिया के उपरांत आप अपने प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में देखेंगे मौलिक अधिकारों पर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं मौलिक अधिकार से, जो भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। कोई भी परीक्षा होती है दोस्तों, मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न 110% बनने हैं। मींस प्रश्न जो है, जो भी परीक्षाओं में प्रश्नों का संग्रह होता है, यदि भारतीय संविधान के आप पार्ट को देखेंगे तो मौलिक अधिकार से कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम से कम आपके 2 से 3-4 नंबर तक के प्रश्न जो है इस एपिसोड से आपके कंप्लीट होते हैं, बनते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार को यदि बात करें कि भारत के संविधान में कहाँ रखा गया है, तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में यदि बात करें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इनकी गिनती, तो गिनती में आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अपने आप में एक एक अनुच्छेद इस मौलिक अधिकार के भाग का, एक एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसमें से कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसको आप बिना पढ़े आगे जंप कर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यह सुपर टेट के परीक्षा के लिए। ठीक है, तो भाग 3 में भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार की धारणा है, जो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है, वह यदि देखा जाए तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, अमेरिका। भारत क्या विश्व में पहली बार, यदि सिविलाइज्ड कंट्री की बात करें तो सबसे पहले इंग्लैंड में सम्राट जॉन ने पहली बार जो है मौलिक अधिकार तो नहीं कह सकते, लेकिन नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक दस्तावेज लिखा गया जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ठीक, ये दिए गए। उसके बाद अमेरिका ने मैग्ना कार्टा के रूप में अधिकारों को सुरक्षित किया गया। तो धीरे धीरे मौलिक अधिकार, जब भारत का संविधान आज़ाद हुआ तो भारत के संविधान में भी इन मौलिक अधिकारों को, जो मैग्ना कार्टा में उल्लिखित थे, मैग्ना कार्टा के स्वरूप में जो चीज़ें थी उसे भारत के संविधान में लाया गया। ठीक, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनकी बात करें तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत का संविधान जब लागू किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 की बात करें हम दोस्तों, तो उस समय भारत के संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे जब लागू किया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें, आज के वर्तमान कंटेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार आपको मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की जो मौलिक अधिकार थे, कौन सा ऐसा अधिकार था जिसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक था संपत्ति का अधिकार भी दोस्तों क्या था, मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300A,
जिसके तहत आप संपत्ति के अधिकार को मात्र एक संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो अब नहीं रह गया है, मात्र एक कानूनी अधिकार है, वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इस समय। ठीक है, मौलिक अधिकार के यदि हम प्रकार की बात करें तो छह प्रकार के हैं। पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है, तो इसकी बात की गई है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, अर्थात समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, तो इनकी सीरीज हम आपके सामने लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये देखिए। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात करता है हमारा अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। फिर इसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये बात करता है दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक। फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार था जिसे डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसके बाद आता है छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 32। ठीक, उसके बाद 33, 34, 35 जो है वो मार्शल लॉ के संबंध में है कि जब सेना विधि लागू होती है तब देश में क्या परिस्थितियां बनती हैं, जिनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इन्हें हमको ऐसे ही याद करना पड़ता है क्योंकि इनका कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, मिलान करना कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है, 12 अनुच्छेद 19 से 12 में क्या है, या 23 से 24 में। तो ये देखिए आपके सामने सारे अनुच्छेदों को लिखा गया है कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात की हो गई हमारी कितने प्रकार के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यदि अब बात करते हैं कि एक एक अनुच्छेद की, तो सबसे पहले अब प्रश्न आता है कि सर 12 और 13 कहाँ गया, क्योंकि मैंने जो बल्क आपको बताया वो 12 से 35 तक का है पूरा, तो 12 और 13, तो आइए हम अनुच्छेद 12 और 13 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहलाता है, 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, अर्थात ये जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं ये किसके विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक है, यदि इन मौलिक अधिकारों का राज्य उल्लंघन करता है या कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप
उसे प्रवर्तित करा सकते हैं। तो यहाँ पर यह सबसे पहले समझना आवश्यक है कि राज्य के अंतर्गत आता कौन कौन है, राज्य की परिभाषा में किसे रखा जाएगा। तो यदि राज्य की बात करें तो राज्य की परिभाषा में आता है भारत सरकार और संसद, पहला है भारत सरकार और संसद, दूसरा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन आ जाता है दोस्तों, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सभी क्या है, स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटी। और चौथा आता है अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये तीन तो जगह क्लियर हो जाते हैं कि भारत सरकार और संसद क्लियर है, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल ये भी बहुत स्पष्ट है, सभी स्थानीय प्राधिकारी में मैंने आपको बता दिया, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और इस तरह की जो लोकल स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं हैं वो सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकारी शब्द की व्याख्या की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो अन्य प्राधिकारी शब्द में ये उनका ये मानना है कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से अथॉरिटीज़ आती हैं, चाहे वो अथॉरिटीज़ भारत सरकार के अधीन हो चाहे राज्य सरकार के अधीन। ठीक, तो अन्य प्राधिकारी शब्द की जब व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उन्होंने कहा कि हम किसे राज्य मानेंगे। जैसे सपोज करिए आप एक संस्था का नाम सुने होंगे, जानते होंगे, NCERT। ठीक, NCERT का काम क्या है, NCERT CBSE बोर्ड के लिए पुस्तकों का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण करता है। तो उन्होंने कहा कि कोई संस्था जो अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य के अंतर्गत आएगी, वो संस्था यदि ऐसी संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण है, मींस ऐसी संस्थाएं जिनको सरकार ग्रांट दे रही हो, सरकार एड दे रही हो, सरकार मदद कर रही हो और उस सरकार उस संस्था पर गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, तो ऐसी संस्थाएं क्या मानी जाएंगी, वो अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए NCERT की बात करते हैं तो NCERT के बारे में एक केस आया था, चंद्रमोहन खन्ना विरुद्ध भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि NCERT जो पाठ्यक्रम निर्धारण संस्था है उसे हम राज्य नहीं मानेंगे। मींस NCERT क्या है, राज्य नहीं है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार दोस्तों परीक्षाओं में कि क्या NCERT राज्य है या नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा NCERT एक पाठ्यक्रम निर्धारण संस्था है, इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, अतः यह राज्य की परिधि में नहीं आता है। अब यदि बात करें कि राज्य की परिधि में आएगी कौन सी संस्थाएं अन्य प्राधिकारी में, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें LIC में गवर्नमेंट का कितना शेयर है, 51%, 51% भागीदारी भारत सरकार की है। देखिए LIC के नीचे लिखा रहता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो वो क्या, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और गैस नियामक प्राधिकरण। इसी तरह से और भी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे आप मान लीजिए जैसी संस्थाओं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सरकार का नियंत्रण है, वो सभी संस्थाएं क्या हैं, अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत। जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यदि बात करें,
तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जो है वो क्या है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित होता है, राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त होता है, अतः वह भी क्या है, अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है दोस्तों यहां पर, कि कोई भी ऐसी विधि, ये दोनों पर लागू होता है, चाहे संविधान पूर्व विधि हो, संविधान पूर्व या संविधान के बाद, संविधानेतर, संविधानेतर यानी संविधान के बाद, अर्थात कोई ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के पहले बनी है उस पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लागू होता है, और कोई ऐसी विधि है जो संविधान के लागू होने के बाद बनी है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रश्न इसमें बनता है वो ये बनता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस न्यायालय को है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह होता है कि कोई ऐसा कानून, ठीक है, यदि विधायिका द्वारा कोई ऐसा कानून निर्मित किया जाता है, कोई ऐसा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा वह भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कम करती है, शून्य करती है या न्यून करती है, तो ऐसी विधियां क्या होती हैं, अपने आप में स्वतः शून्य होती हैं। ठीक, संविधान क्या है हमारा, ये ग्रैंड नॉर्म है संविधान, कोई भी विधि संविधान के दायरे के बाहर नहीं जाती है, और यदि वो संविधान के दायरे के बाहर चली जाती है तो वो संविधान, वो विधि क्या हो जाती है, शून्य घोषित हो जाती है। तो अनुच्छेद 13 क्या बताता है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की विवेचना अनुच्छेद 13 करता है। अब आइए हम लोग देखेंगे समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 14 हमारा बताता है दोस्तों समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, समानता का अधिकार, अर्थात ये कहता है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध होगा, विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति का मींस क्या होता है यहां पर, चाहे वह नेचुरल पर्सन हो चाहे लीगल पर्सनालिटी हो, यानी चाहे वह विधिक व्यक्ति हो और चाहे नेचुरल व्यक्ति हो, सभी को यह अधिकार प्रदत्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो। ठीक, सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, मौलिक अधिकार उपलब्ध है। अब यहां प्रश्न आता है कि सर विधिक व्यक्ति क्या होते हैं, तो विधिक व्यक्ति का अर्थात जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई ऐसे व्यक्तित्व जिसे न्यायालय ने विधिक व्यक्तित्व माना, जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी हो दोस्तों, वह क्या होता है, उसका अस्तित्व विधिक व्यक्तित्व का होता है। तो यह अनुच्छेद क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह लीगल हो व्यक्ति चाहे नेचुरल व्यक्ति हो, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। यहाँ दोनों दो फ्रेज मिल रहे हैं,
एक फ्रेज आपका मिल रहा है विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समता मींस कानून के सामने चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी हो, मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, मींस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, सभी व्यक्ति क्या है? कानून की नजर में एक है। अर्थात यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई है, तो वो चाहे देश का प्रधानमंत्री करेगा वो अपराध, उसके लिए भी वही सजा है, और चाहे देश का आम नागरिक करेगा उसके लिए भी वही सजा है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति एक होंगे, कानून की नजर में सभी व्यक्तियों क्या होंगे? समान होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा फ्रेज मिलता है हमारा विधियों का समान संरक्षण, सभी विधि सभी व्यक्तियों को। सभी व्यक्तियों को क्या है? समान संरक्षण उपलब्ध होगा विधियों का। कैसे समान संरक्षण मिलेगा? कि ये विधि जिस प्रक्रिया को यानी जिस प्रोसेस को बताती है, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण अर्थात सभी व्यक्तियों को विधियों का एक जैसा संरक्षण उपलब्ध होगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अर्थात यहां पर, लेकिन एक चीज यहां पर है कि पद की गरिमा के अनुसार कुछ डिफरेंशिएशन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति को उसके पद के अनुसार कुछ उपलब्धियां दी गई हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो विशेषाधिकार कैसे? अर्थात जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत है, तो पद पर रहने के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक या सिविल कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ये पद की गरिमा के अनुसार कुछ विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद 15 पर। 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन पांच आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात कोई भी ऐसा स्थान जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला हो, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुला हो, ऐसे किसी स्थान में प्रवेश करने से, उसका उपयोग करने से किसी व्यक्ति को आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, राज्य उनको मना नहीं करेगा। लेकिन इसी अनुच्छेद में 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कानून का निर्माण कर सकता है, ये कोई उसका अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहती है दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का होगा, यदि गवर्नमेंट कोई भर्ती निकालती, कोई प्रक्रिया करती है भर्ती प्रक्रिया, उसमें सभी व्यक्तियों को क्या है?
समान अवसर दिया जाएगा, सभी व्यक्तियों को बराबर का मौका दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी आधार पर डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसी में दो अनुच्छेद और हैं महत्वपूर्ण, एक तो है 16(4) का, ये कहता है प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण अर्थात जब प्रमोशन की बात होगी तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू होगा। अभी रिजर्वेशन प्रक्रिया कहां पर लागू होती है दोस्तों? चयन प्रक्रिया पर। चयन की स्टेज पर, चयन के अंतिम पायदान पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, लेकिन 16(4) का कहती है कि प्रोन्नति यानी प्रमोशन में भी अब आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। नेक्स्ट है इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट 16(4)(ख), ये बतलाता है हमारा दोस्तों 16(4)(ख), ये कहता है अग्रनयन के नियम, अग्रनयन के नियम का प्रतिपादन करता है, कैरी फॉरवर्ड रूल। क्या होता है अग्रनयन का नियम, मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए किसी वर्ष में लोक सेवा आयोग ने 100 पदों पर विज्ञापन मंगाया किसी भर्ती के लिए, ठीक है। अब उस 100 पदों में रिजर्वेशन के हिसाब से 50, 27, 13 और 17 ये रिजर्वेशन की प्रक्रिया थी। तो मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर है, जोड़ घटाना ऊपर नीचे हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, उन्होंने एक क्वालिफिकेशन रखी कि जनरल कैटेगरी का आदमी यदि 40% पाएगा तो क्वालिफाई, ओबीसी का 35% पाने पर क्वालिफाई, एससी का 30% पाने पर क्वालिफाई और एसटी वाला 25% मिनिमम पाने पर वो क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक। लेकिन किसी कारणवश जनरल की सीटें तो भर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी की योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण कुछ रिक्तियाँ क्या है, अवशेष रह जाती हैं, भर्ती नहीं हो पाते उन पदों पर। तो ऐसे पदों पर जो सीटें रिक्त रह जाती हैं, जिन सीटों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाती है, उनके संबंध में ये कहा जाता है अग्रनयन का नियम कि वो भर्ती, मान लीजिए यहाँ पर 20 पद रह गए, 80 पर ही योग्यता हुई, अगले साल फिर 100 पद आ रहे हैं, तो अग्रनयन का नियम कहता है कि इन 20 सीटों को अगले वर्ष की आने वाली भर्तियों में जोड़ कर निकाला जाएगा, और यदि इसके जोड़ देने से रिजर्वेशन की सीमा अत्यधिक हो जाती है तो वह असंवैधानिक नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहलाता है, अग्रनयन का नियम क्या कहलाता है, ठीक। इसी में 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 16(6) जोड़ी गई, जो 10% EWS के व्यक्ति होंगे, मींस आर्थिक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होगा उसे क्या किया गया है, 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत, किसी भी रूप में अब छुआछूत को जो है वह प्रैक्टिकली नहीं लिया जाएगा। मीन्स यदि कोई व्यक्ति छुआछूत का पालन करता है, छुआछूत को मानता है या छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी और वह व्यक्ति विधि अनुसार दंडित किया जाएगा। इसके संबंध में यहाँ पर दंड तो नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 17 के कंप्लायंस में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत क्या होगा, दंडित किया जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 कहती है दोस्तों उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अर्थात दो प्रकार की उपाधियां चलेंगी, एक तो सेना संबंधी जो उपाधि होंगी और विधा संबंधी।
इन दो उपाधियों को छोड़कर अन्य तमाम प्रकार की जो लोग पहले उपाधि धारण करते थे, इस तरह की किसी भी उपाधि का प्रचलन अब नहीं किया जाएगा। यानी सेना और विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना चाहता है तो वह पहले देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह क्या कर सकता है, उपाधि धारण कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा समता का अधिकार हमने देखा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और फिर हमने 12-13 को भी कलेक्टिवली देखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की वह चर्चा थी हमारी मौलिक अधिकारों पर, जो डील करता है हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।